गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक नए व्लॉग के साथ यहाँ पर आपके साथ आ चुके हैं और अभी हम हिमाचल प्रदेश में हैं और हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम रामपुर है, वहाँ से आज हम रियोंग पिहू जाने वाले हैं और वहाँ से आज हमारा जो सफ़र रहेगा वो पिहू से कल्पा और कल्पा के बाद सांगला और सांगला के बाद चितकुल के हम लिए जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी में आप बने रहेंगे और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि कहा जाता है उसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हम चलते हैं, पहला जो हमारा सफ़र है रिहोंग पिहू के लिए, तो चलते हैं दोस्तों। HRTC गवर्नमेंट बस का किराया हिमाचल के रामपुर से रिकोंग पिया तक 232 रुपये है, जबकि प्राइवेट टैक्सी और बस का किराया आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। हम लंच के लिए रुके हैं ज्यूरिख और ज्यूरिख एक जगह है रास्ते में जहां पर हम अपना लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम पहुंचते हैं। आप देख सकते हो अभी हम अपोजिट आए हैं अम्बाला शिमला और रामपुर के अपोजिट, मतलब सीधा जाने के, और हम काफ़ी डिस्टेंस कवर करके आ चुके हैं, 23 किलोमीटर आ चुके हैं हम, और अभी हम रिहोंग पिहू जाएंगे और वहां पर जाकर आपको वहां का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों दो दिन से मैं लंच में दाल चावल ही खा रहा हूं और दाल चावल मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया दो दिन से, तो मेरे से अब नहीं खाया जाएगा, तो मैंने थोड़ा हल्का फुल्का लिया, एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया ड्यू की और मैं चिप्स खा रहा हूं और इसी से अपना सफ़र आगे बढ़ाऊँगा और आपसे रिहोंग पिहू जाके ही मैं मिलूँगा। अभी मैं आपको बीच का नज़ारा ज़रूर दिखाऊँगा, यहाँ पर एक मंदिर भी आता है जिसकी काफ़ी मान्यता है और यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है देखने लायक। तो अभी बस रुकी हुई है, जब चलेगी तो हम आपको यहाँ का व्यू भी दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ज्यूरिख से बस रिकोंग पिहू की तरफ चल पड़ी है। दोस्तों आपको रास्ते में प्रकृति के बहुत ही सुंदर या सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलेंगे और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैं हिमाचल के किन्नौर ज़िले में जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको एक एक दृश्य को एक अलग अलग व्लॉग में आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा, तो आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों अभी बस रुक चुकी है और हम जिला किन्नौर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर एक जगह है टापरी नाम से, और अगर आप रिहोंग पिहू जाएंगे तो आपकी जो बस होगी वो दो जगह रुकेगी, एक तो आपको ज्यूरिख रुकना पड़ेगा और एक जगह आपको टापरी रुकना पड़ेगा। अभी हमारा थोड़ा सफ़र बाकी है, आपको बस की टाइमिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हम रिकोंग पिहू पहुँच चुके हैं और हम 1 बजे के लमसम हम रामपुर से बैठे थे और अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो 6 बज रहे हैं, यानी हमें यहाँ पहुँचने में करीबन 5 घंटे का समय लगा है और 5 घंटे में हम यहाँ पर रिकोंग पिहू पहुँच गए हैं। और अभी हम पहले अपना होटल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे की जर्नी करेंगे। काफ़ी ठंड है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ और चारों तरफ बर्फ़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ये रिकोंग पिहू, ये देखिए। सबसे पहले हम होटल चेक इन कर लेते हैं, अभी हम होटल के रास्ते में हैं जहां पहुंचने में हमें 5 मिनट लगेंगे बस स्टैंड से। दोस्तों हमने अपना यहां पर होटल चेक इन कर लिया है और अब हम यहां पर अपना डिनर करने जा रहे हैं और डिनर के लिए हम यहां पर देखते हैं कि कौन सा यहां पर बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो चलिए हम जैसे डिनर में पहुँचेंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि आप यहाँ पर आएँ तो कौन से रेस्टोरेंट में आपको डिनर करना है जो आपके लिए एक वाजिब दाम पर उपलब्ध होगा। तो आइए दोस्तों, होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम अपने डिनर के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पंजाबी ढाबा और पंजाबी ढाबे में आके हम अपना डिनर करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ का कैसा टेस्ट है। तो आप आइए, आपको प्राइस लिस्ट भी बताऊंगा मैं, तो आप आइए। होटल में आप किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन ना करें जो आप पढ़ सकते हैं। इस होटल की प्राइस बहुत रीजनेबल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने अपना डिनर मंगा लिया है और डिनर में हमने शाही पनीर मंगाया है और हमने यहाँ पर तंदूरी रोटी है वो मंगाई है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है नॉर्मली खाना, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो रख दीजिए, तो मैं आपको खा के बताता हूँ इसका कैसा टेस्ट है। दोस्तों अगर आप फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो शायद आपको टेस्ट अच्छा ना लगे, लेकिन मैं भी पूरा बहुत बड़ा ज़्यादा शौकीन, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप हिमाचल आते हैं तो हिमाचल में ऐसा खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत वाजिब रेट है, मैंने 90 रुपये की शाही पनीर मंगाई है और 8 रुपये की एक रोटी है जिसमें आपको थोड़ी बहुत सलाद मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप ये खाना खा सकते हैं और मैं खाना खा अपना डिनर कम्प्लीट करके मैं आपको फिर से बात करता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपना बिल पेमेंट पेन करेंगे और आपको बताएंगे कितना हमारा टोटल बिल हुआ है। भाई हाँ
रोटी अपन ने खाई 6 रोटी 160 हमारा बिल हुआ है, मैं भैया को पे कर रहा हूँ। कैश ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन। रात काफ़ी हो चुकी है दोस्तों, अब हम आपसे मॉर्निंग में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए उसी पंजाबी ढाबे में जा रहे हैं और वहां जाके हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको बताते हैं कि कैसा है वहां का ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम कल्पा निकलेंगे और कल्पा का आपको व्यू दिखाएंगे, तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में आज हमने पनीर का पराठा मंगवाया है, मिक्स पराठा है मतलब। तो ये पराठा आपको 25 रुपए का पड़ेगा और ये जो मैंने आलू छोले की सब्जी बनाई है 10 रुपए की पड़ेगी और यहाँ पर मैंने दही मंगवाई ये भी आपको 10 रुपए की मिलेगी। अभी मैं आपको खा के बताता हूँ सर टेस्ट कैसा है, तो एक मिनट फ्रेंड। पराठे का टेस्ट अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल आप यहाँ पे जब भी आएँ तो बिल्कुल यहाँ पर आप आएँ पंजाबी ढाबे में, खाना बहुत अच्छा है दोस्तों। ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, आप खाइए यहाँ पर, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। और हमारा जो बिल है वो हमारा 100 रुपये का बिल हुआ है, 2 जनों ने हमने खाया है और 2 जने इनफ 100 रुपये में आपका पेट भर सकता है। तो अब हम जल्पा के लिए निकल रहे हैं दोस्तों, अब हम कल्पा जाने के लिए बस स्टैंड जा रहे हैं जहाँ से हमें बस मिलेगी कल्पा के लिए। मैं आप दोस्तों को एक बात कहूँगा, जब भी आप यहाँ आएँ तो बस टाइमिंग का ज़रूर पता कर लें, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो हम बिना बस टाइमिंग के यहाँ पर आए, जिससे कि हमें यहाँ पर बस नहीं मिल पाई और हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, हमने काफ़ी देर बस का वेट भी किया। रिकोंगपियो से कल्पा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसे आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी कवर कर सकते हो। हम वॉकिंग डिस्टेंस से काफ़ी दूर तक पहुँच चुके थे, लेकिन रास्ते में हमें किन्हीं दोस्तों ने लिफ्ट दी और हमें वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि वो लोग भी वहीं पर जा रहे थे सुसाइड पॉइंट पर, तो हमारा जो सफ़र था वो थोड़ा और इजी हो गया। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं किन्नौर के सुसाइड पॉइंट पर और सुसाइड पॉइंट को थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ जूम। मैं इतने आगे नहीं जाऊँगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा मैं, तो आप देखिए। दोस्तों बोला जाता है कि अगर पुलिस ने आपको यहाँ पर देख लिया तो आपका चालान कट जाता है, इसलिए आप जब भी यहाँ पे आए तो थोड़ा सेफ्टी से रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी खाई है और गलती से भी अगर यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है तो सच में कुछ भी नहीं बचता। आप देख सकते हैं ये सुसाइड पॉइंट है और यही देखने हम इतनी दूर से आए थे। ये देखिए, आई लव किन्नौर। एक्चुअली बस का बहुत वेट किया था हमने पर बस हमें नहीं मिल पाई, तो कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें यहाँ पर लिफ्ट दी, आप देख सकते हैं उनको भी। अभी स्नोफॉल बहुत काफ़ी टाइम पहले हुआ था, अभी नहीं है स्नोफॉल यहाँ पे। इन दोस्तों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारा इस सफ़र में साथ दिया। अब हम कल्पा गांव के एक मंदिर में जाएंगे जिसे आदि देवी चंडी किला कहा जाता है और वहां जाकर वहां का नज़ारा दिखाएंगे। हो सकता है शायद वो हमें बंद मिले क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो देखते हैं वहां जाके। दोस्तों अभी अब हमने सुसाइड पॉइंट देखा था वहाँ पर और अब हम कल्पा गाँव में आ चुके हैं और कल्पा गाँव का नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ का, पहाड़ों पर बर्फ़ है। इसी के आसपास कहीं पर किन्नर कैलाश बताया जाता है जहाँ हमारा जाने का बिल्कुल मन है, लेकिन अभी टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से हम नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमें सांगला जाना है और सांगला से फिर हमें चितकुल भी जाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही बस आएगी 2 बजे जो हमें चितकुल लेके जाएगी, उसके बाद वहाँ जाने के लिए कोई बस नहीं होगी। तो अभी हम आपको सांगला और चितकुल भी लेके चलेंगे। हमारा कल्पा का जो ट्रिप था वो हमने कवर कर लिया है, अब हम आपको सांगला लेके चलेंगे, उसके बाद हम चितकुल लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम कल्पा गांव के अंदर जब एंट्री किए तो हमने यहां पर एक मंदिर देखा जिसकी मान्यता काफ़ी है और उस मंदिर का नाम है आदि शक्ति देवी। तो मैं एक बार आपको पास से दिखाता हूं उस मंदिर के बारे में, कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको मैं पढ़ा सकूं कि इस मंदिर में क्या लिखा हुआ है। जैसा आपको दिख रहा हूं देख सकते हैं आप, इसकी हिस्ट्री इसके बारे में लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। और हम अंदर एंटर करते हैं मंदिर के, मंदिर के द्वार बंद हैं। दोस्तों हिमाचल का माइथोलॉजी बहुत आकर्षित है और कहा जाता है कि इस मंदिर में आदि शक्ति ने चंडी का रूप लिया था और यहाँ रहने वाले राक्षसों का वध किया था, जिससे कि यहाँ के लोगों का कल्याण हुआ था। तो यहाँ की एक बात सुन के बहुत अजीब लगा, कहा जाता है कि जो राक्षस थे उन्होंने कहा था कि जिस दिन पहाड़ों से रुई और कौवे के सिर पर सींग उग जाएंगे उस दिन हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे।
जो कि बहुत अजीब है। दोस्तों बौद्ध धर्म में इसे घुमाना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।